बलदेवगढ़ नगर परिषद में बुधवार को समस्त वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए मतदान कराया गया, जिसमें सुबह 7 बजे से उत्साह दिखा और शाम 5 बजे तक शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। नगर में 15 वार्डों में 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें 15 भाजपा प्रत्याशी एवं 15 कांग्रेस प्रत्याशियों के अलावा समस्त निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में पार्षद पद हेतु चुनाव लड़ रहे थे और बुधवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ईवीएम मशीन के द्वारा शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के द्वारा पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था कराई गई। वहीं अनुविभागीय अधिकारी सौरभ मिश्रा के कड़े निर्देशन में कर्मचारियों के द्वारा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराया गया। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। नगर परिषद बलदेवगढ़ में 15 मतदान केंद्र हैं और 15 वार्ड के 15 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। सभी जगह ईवीएम के द्वारा मतदान हो रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, अभी चल रहा है। लगभग 50% मतदान सभी जगह दर्ज किया गया है। हर 2 घंटे की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को हमारे कंट्रोल रूम से पहुँचाई जा रही है। इस बार पुलिस फोर्स भी बहुत पर्याप्त मात्रा में अलग अलग लेयर्स में दी गई है, पोलिंग स्टेशन्स पे भी दी गई है, लोकेशन के लिए अलग से है, सेक्टर के लिए अलग से, QRT अलग है। ऐसे ही हमारे जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार वगैरह, वो भी घूम रहे हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी हैं। हमारे यहाँ 3 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जो 5-5 मतदान केंद्रों के हिसाब से हैं, तो वो भी अपने अपने मतदान केंद्रों में घूम रहे हैं। और ECIL के इंजीनियर हैं, यदि कहीं कोई मशीन में दिक्कत आती है तो वो भी किया जाएगा। सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है, इसी तरह अपेक्षा है कि 5 बजे तक लगभग सब कुछ हो जाएगा। जो 5 बजे तक अंदर आ जाएंगे उनके बाद क्या व्यवस्था है, पर्ची वगैरह की व्यवस्था जी? बिल्कुल, जैसा नियम है कि मतदान समाप्ति के 5 मिनट पहले पीठासीन अधिकारी ऐलान करता है कि मतदान समाप्ति होने में इतना समय रह गया है। जो लोग यदि अंदर आ गए हैं तो 100 मीटर के दायरे में जो भी उस मतदान केंद्र की सीमा रहती है उनको वो पीछे से शुरू करते हुए पर्चियां बांट देते हैं पीठासीन अधिकारी अपने साइन सील से। उन पर्चियां लिए हुए लोगों को ही केवल देने दिया जाता है, ऐसा मतलब नियम है और यही किया भी जाएगा। हम लोगों ने पहले से ही उनको टोकन दे दिए हैं जिससे उनको कोई असुविधा ना हो, कोई समय ना लगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।